इंटेलिजेंट लोगों के बीच में अनकंफर्टेबल फील करता हूँ, इसलिए मैं हमेशा अपने आसपास चूते लोग ही प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मुझे उनके साथ एक अपनापन सा लगता है। और वैसे भी यार आप देख लो, इस वर्ड से ना मेरा इतनी बार सामना होता है ना डेली लाइफ में, जहां जाओ ओए चूतिए ओए चूतिए। तो कभी कभी मैं अपने नाम पे रिएक्ट करना भले भूल जाऊं पर इस वर्ड पे नहीं। इवन लड़ाई में भी बोलता था ना कि ओ जट्टू चीर दूंगा, मैंने कि चूतिया हूं फाड़ दूंगा, क्योंकि इस वर्ड को मैं गाली नहीं एक ब्रांड समझता था और खुद को उसका ब्रांड एम्बेसडर, क्योंकि मुझे लगता था कि इस दुनिया में मुझसे बड़ा कोई चू है ही नहीं। लेकिन मैं गलत था, क्योंकि मेरी मुलाकात फिर कुछ आशिकों से हुई। मेरा भ्रम टूट गया, क्योंकि चूतियापे में वो मेरे बाप निकले। एक से एक चूतियापा कर रहे हैं भाई वो प्यार में। एक आशिक का ब्रेकअप हुआ, उसने नसबंदी करवा ली कि तेरा नहीं तो किसी और का नहीं हो पाऊंगा। और मैंने कि यार वो मुंडन का बाल नहीं है जो दोबारा आ जाएगा, अबे बिना गोली के पिस्टल लेके घूम रहा है। और हर आशिक को देख लो ब्रेकअप के बाद या तो सुलोचन मार के कमलेश बना हुआ है धुन 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 धुन, या फिर ठेके पे सेट ठोके लोगों को ज्ञान दे रहा होता है कि कुछ भी करना मेरे दोस्त, कभी किसी से इश्क ना करना, इश्क ना करना। मतलब एक से एक चूतिया पे कर रहे हैं यार प्यार में। और सिर्फ लड़के ही नहीं, लड़कियां भी प्यार में अजीब अजीब सी बातें करती हैं भाई, कुछ भी बोल रही होती हैं, लॉजिक दूर दूर तक नहीं कि सुनो ना बेबी मेरे लिए चांद तोड़ के ले आओगे। और लड़का भी हाँ बोल रहा होता है, अबे वो चांद है आम नहीं, पत्थर मार के तोड़ लिया। और कुछ लड़कियों को अपने बॉयफ्रेंड में शाहजहां दिख जाता है कि बेबी सुनो ना मेरे लिए ताजमहल बनवा दोगे। यार उसके घर जाके देख, दीवारों पे प्लास्टर नहीं है, वो ताजमहल बनवाएगा। कुछ भी बोल रहे हैं यार प्यार में। और प्यार का ना आप सक्सेस रेशियो देख लो, सीए से भी कम है, 2-4% कपल से सक्सेसफुली मैरिड है। वरना बाकी ना ब्रेकअप के बाद लड़कियों की हो जाती है शादी, फिर वही लड़कियां कुछ सालों बाद मायके आती है तो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड उसकी याद में देसी पी के शक्तिमान बना हुआ है, कूड़े के ढेर में खड़ा होके तूफान उठा रहा है। और ये सब जानने की बात भी हम प्यार करते हैं। मेरे खुद के सारे दोस्त प्यार में पागल हो गए पड़े हैं यार, कुछ भी पूछो जवाब शेरो शायरी में दे रहे हैं। मैंने कि सुन दारू पीने चले, कहता है जाम पे जाम पीने का क्या फायदा, शाम को पी सुबह उतर ही जाएगी, दो बूंद मोहब्बत की पी ले पूरी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी। मैंने कि मेरे सवाल का जवाब हाँ या ना ही था बस, ये फालतू के बकवास करने की जरूरत नहीं थी मुझसे। अच्छा ये देख लो आप गर्लफ्रेंड का कितना इफेक्ट होगा आपके ऊपर, ज्यादा से ज्यादा आप उसके हिसाब की मूवी देखने लगोगे, उसके पसंद के कपड़े पहनने लगोगे। मेरे दोस्तों की सोच उनकी तरह हो गई है। वहां ठेके पे हमारी लड़ाई हो गई, मैंने कहा चल उसको मारते हैं, कह रहा हम क्यों हाथ गंदा करें, आज टूटते हुए तारा को देख के विश मांगते हैं कि भगवान उन दुष्टों को नष्ट कर देना। मैंने कि बदला लेने का बहुत सही तरीका अपनाया है तूने, ये चाइना और रशिया वाले बहुत चूतियां हैं जो अपने डिफेंस और मिसाइलों पे इतने पैसे खर्च कर रहे हैं। मतलब सिंपल सा लॉजिक है, टूटते हुए तारा को वेट करो, विश मांगो, सामने वाली कंट्री खत्म। इवन बातें भी आपस दोस्तों में आप कह के बातें कर रहे हैं कि आप पहले लो ना, पहले आप लीजिए। मतलब दोस्तों वाली फीलिंग ही नहीं आ रही यार, क्योंकि दोस्तों के बीच में ना गालियां ही अच्छी लगती है कि ओए चूतिया उठा इसको, बारिश का मुंह में ले। तो अब ना मेरी थिंकिंग उनके बीच में मैच नहीं हो रही थी, और ये ऑब्वियस भी था यार, क्योंकि वो सबके सब थे आशिक, अकेला मैं ही रंडवा घूमे जा रहा था उस ग्रुप में। और ऐसा नहीं था कि मैं कोई सख्त लौंडा हूं इसलिए रंडवा था, बल्कि अपने से कोई सेट ही नहीं हो रही थी। तो मैं हेल्प लेने ना लव गुरु के पास गया। अच्छा लव गुरु के बारे में बता दूं आपको, वो अपने आइडियाज की वजह से नहीं,
अपने लुक की वजह से लव गुरु था। इतनी बुरी शकल थी उसकी कि उसकी खुद की माँ पब्लिक प्लेस में उसको बेटा मानने से इनकार कर देती थी कि मुझे नहीं पता कुदरत का कहर कौन है ये। इवन मेट्रो में भी जैसे ही अनाउंसमेंट हुई कि प्लीज बिवेयर ऑफ पिक पॉकेट इन द दिल्ली मेट्रो, लोग उससे दूर भागे कि हाय जेब कतरा। फिर मुझे आके समझाना पड़ता था कि भाई साहब जेब कतरा दिखता है नहीं। ऐसे बंदे की भी बंदी थी, वो भी लड़की ने सामने से प्रपोज मारा था। तो कहता है कि सुन, लड़कियां सिर्फ दो चीजें देखती हैं, लुक और पैसा। मैं तेरे पास तो दोनों ही नहीं है। तो कहता है मेरी वाली अलग है, वो उन लड़कियों में से है जो लड़कों का दिल देखती है। और मैंने कहा यार दिल कोई आउटर बॉडी पार्ट नहीं है जिनको लड़कियां आंखों से देख सके। कि अरे भाई साहब आपका दिल तो बड़ा प्यारा है, शादी करोगे मुझसे? पर मैं तो गरीब हूं, पर दिल तो अच्छा है, खड़ा भी नहीं होता। अरे पर दिल तो अच्छा है ना, मुझे दिल चाहिए बस, शादी करो मुझसे। ऐसा नहीं होता यार। तो वो नाराज हो गया। मैंने कहा अच्छा सॉरी बताना। तो कहता है कि देख लड़कियां अब गली मोहल्ले में नहीं पढ़ती, अब इसके लिए डेटिंग ऐप आ चुके हैं जैसे टिंडर वगैरह। तेरी भाभी भी वहीं मिली थी, बहुत सही चीज़ है। तू जा टिंडर पे प्रोफाइल बना और जो लड़की तुझे पसंद आए उसको राइट स्वाइप मार के इंटरेस्ट देखा, और जो लड़की नहीं उसको लेफ्ट स्वाइप मार के रिजेक्ट कर दे। मैंने कहा क्या बात कर रहा है, मतलब मैं लड़कियों को रिजेक्ट भी कर सकता हूँ? मतलब जो हक भगवान ने नहीं दिया वो ये एप्लीकेशन दे रही है। तो मैंने ना टिंडर डाउनलोड किया, साथ ही साथ प्ले स्टोर पे जितने भी डेटिंग ऐप थे सबको डाउनलोड कर लिया। मैट्रिमोनियल साइट पे भी प्रोफाइल बना डाली कि कोई नहीं यार शादी भी कर लेंगे, पर सिंगल नहीं रहना अब। और ये ना मैट्रिमोनी वाले बहुत सही चीज है यार, ये इनका सीधा टक्कर भगवान से, क्योंकि ये उनकी जोड़ी बना देते हैं जिनकी भगवान बनाना भूल गए थे। बस इनका टैगलाइन गलत है कि वी मेक अ बेटर मैच। क्या बेटर मैच? मतलब जिनके रिश्तेदार दलाल नहीं करवा पाए उसको तुम जुगाड़ लगा रहे हो, तो कोई बेटर मैच नहीं हो सकता। सिंपल लिखो, हम उन्हें मिलाते हैं जो अकेले में हिलाते हैं, तब जाके लॉन्डो का ट्रस्ट बिल्ड होगा ना। तो मेरा मिशन स्टार्ट हुआ करीब 500 मैसेज में हाय हाय करने के बाद एक हाय का हेलो हुआ। और यह हाल तब था जब DSLR वाली फोटो प्रोफाइल पे थी। मैंने कहा चलो कोई नहीं, एक ही तो चाहिए। तो हमारी ना बातें शुरू हुई और हमारी काफी थिंकिंग मैच हो रही थी। तो मैंने कहा कहीं ये सच्चा प्यार ही तो नहीं। तो मैंने उसका टेस्ट ले लिया कि पता है तुम्हें ना मेरे पास नौकरी है ना पैसा, बहुत गरीब हूं मैं। वो उधर से माँ बहन की गालियां देने लगी। एंड देन आई रियलाइज कि आप 10 मिनट बात करके किसी का टेस्ट नहीं ले सकते हैं, इतनी जल्दी प्यार नहीं होता किसी को। तो मैंने कि सॉरी सॉरी यार, वो मैं मजाक कर रहा था, अरे अच्छी खासी नौकरी है, पैसा भी बहुत है, बस प्यार चाहिए बेबी। फिर उसको अपना बैंक स्टेटमेंट और सैलरी स्लिप सेंड करा, तब जाके उसका रिप्लाई आया और कुछ मेन्यू चार्ट सा भेजा उसने जिसमें लिखा था आई एम अ पेटीएम गर्ल फॉर फन ओनली, 300 रुपीज सेक्स चैट, 500 रुपीज वीडियो कॉल पर आवर। लेकिन मुझे तो सच्चा प्यार चाहिए था, वो तो था ही नहीं मेन्यू में। मैं सुना ना ये सब छोड़ के मेरे पास आ जाओ, रानी बना के रखूंगा। लेकिन उसने ब्लॉक कर दिया।